रोहेल की वजह से फिर से अब मीरब और मुर्तसिम के दरमियान में झगड़ा होने जा रहा है। और यहाँ पर क्या अब मुर्तसिम और मीरब जो है दोबारा से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, आज की वीडियो हम आप लोगों के साथ पूरा प्रोमो और बहुत कुछ डिस्कस हम करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को नहीं दबाया जरूर से दबाते जाना, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी कमाल की रिव्यू वाली वीडियो आती रहेंगी और आप लोग भी हमें रिकमेंड कर सकते हो और किस तरह का आप लोग कंटेंट देखना पसंद करते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ड्रामा सीरियल तरबिन के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि अब पर मीरब का बाप जो है वो काश वो सब को जो है क्लियर करके चला गया है, जिसकी वजह से हर तरफ की बातें सुनने के बाद यहां पर बहुत ही ज्यादा जो है सब लोग जो है अपने आप को मलामत कर रहे हैं कि आखिर हमसे ये क्या हो गया। मीरब इतनी ज्यादा मासूम थी और नाराज रहने लगा है यहां पर मुर्तसिम अपनी माँ से, यहां पर इन्होंने मुझसे क्या करवा दिया, यहां पर इन्होंने ही कहा था उसे छोड़ के आओ, और इसी वजह से यहां पर यह बहुत ही ज्यादा सोचता है, जिसके बाद यहां पर यह जो है मीरब को लेने के लिए जो है वो सोचता है और चला जाता है बैठ के गाड़ी में वहां पर, जिसके बाद आप लोग ये देखने वाले हैं मीरब जो है वो उसके पास उसकी दोस्त आई होगी जो कि रुहेल की भी कॉमन फ्रेंड है, जिसके बाद यहां पर ये लोग बात कर रहे होंगे और यहां पर मुर्तसिम के बारे में जो है वो बातें करना शुरू कर देगी मीरब और यहां पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी, जज्बात में आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो कि यहां पर जैसे ही उन्हें प्यार हो जाता है वो फटाक से बता देते हैं और शायद उनको जो है आंखों की ठंडक को ही वो बहुत ही ज्यादा प्यार समझते हैं, जिसके बाद यहां पर इसकी दोस्त जो है मीरब को मीरब की दोस्त है उनके यहां पर मीरब तुम्हें तो मुर्तसिम से बहुत ही ज्यादा प्यार हो चुका है, जिसके बाद शायद मीरब को अभी तक रियलाइज दोबारा से नहीं हुआ। और जिसके बाद आप लोग ये भी देखने वाले हो कि यहां पर ये लोग जो है अभी जा रही होंगी कहीं पर रास्ते पे, जिसके बाद आप लोग देखने वाले हो कि रास्ते में ही रोहेल मिल जाएगा और जिसके बाद रोहेल कहेगा मीरब मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा बातें करना चाहता हूँ, तो इसलिए ऐसा करो कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ, हम लोग चलते हैं मेरे घर में, वहां पर जाकर बातें करते हैं। जिसके बाद मीरब शायद पहले कहेगी नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, लेकिन यहां पर उसकी जब दोस्त कहेगी कि यहां पर मीरब मैं भी तुम्हारे साथ हूं तो चलो हम रोहेल के साथ चले जाते हैं, जिसके बाद यहां पर जो है ये उसे गाड़ी में बिठा रहा होगा और ऊपर से वैसे ही जो है मुर्तसिम की एंट्री हो रही होगी। मुर्तसिम जो है इन लोगों को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा कि इस मीरब को मैंने इतना ज्यादा समझाया कि यहां पर इस रोहेल के साथ तुमने बिल्कुल भी नहीं फिरना और इसकी वजह से यहां पर इतना बड़ा झगड़ा भी हो गया है, लेकिन यहां पर इसे इस बेवकूफ को बिल्कुल भी यहां पर कुछ भी नहीं है आइडिया। और जिसके बाद आप लोग आने वाले एपिसोड में ये देखने वाले हो कि यहाँ पर अब जो मीरब होगी नाजरीन वो जाकर रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाएगी यहाँ पर इसके साथ, यहाँ पर रहेल की और इसकी दोस्त शायद आगे पीछे चली जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर आप लोग देखने वाले हो पीछा करते हुए मुर्तसिम वहां पर पहुंच जाएगा, साथ साथ यहाँ पर जो अब रहेल है इसके साथ बातचीत करना शुरू कर देगा कि मीरब मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तो तुम्हें कई बार कहने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर तुम्हें मुर्तसिम जो है वो आकर ले गया, वो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी है और यहाँ पर तुमने देखा ना जब मैं तुम्हें लेकर गया था तो यहाँ पर वो कितना ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने मुझे किस हद तक मारा था, और इसके साथ साथ यहाँ पर उसने भी जो है वो क्या कुछ किया था मेरे साथ, जिसके बाद यहाँ पर मीरब यहाँ पर इसे समझाना शुरू कर देगी। ये मीरब तो कहेगी कि यहाँ पर मैं तुमसे बिल्कुल नहीं प्यार करती, लेकिन यहाँ पर पीछे से मुर्तसिम आकर जो है खड़ा हो जाएगा और नाजरीन शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अब जो है मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर अब जो है रोहेल और जो है हाथ में हाथ डाले मीरब के, जिसकी वजह से यहाँ पर मुर्तसिम देख के मजीद ज्यादा गुस्से में आ जाए और यहाँ पर जब मीरब देखे तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा, मुर्तसिम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद मुर्तसिम जो है इससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा और जिसके बाद वो जो है जाने लगेगा, तो ये मीरब जो है पीछे भागती हुई आएगी और कहेगी कि मुर्तसिम यहाँ पर मेरी बात तो सुनो यहाँ पर, जिसके बाद मुर्तसिम कहेगा कि मुझे लगा था कि यहाँ पर जो है हम दोनों के दरमियान में अब सब कुछ जो है वो ठीक होने लगा है, यहाँ पर जो कोई भी गलतफहमियां थी जो कोई भी दूरियां वगैरह थी यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खत्म होने लगी हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है मैं बिल्कुल गलत था, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर मीरब बहुत ज्यादा उसे समझाने की कोशिश करेगी, मुर्तसिम ऐसी कोई भी बात नहीं है तो मेरी बात सुनना पसंद करोगे। यहाँ पर मीरब को बिल्कुल भी उस तरह की टेंशन दिखाई नहीं गया, बहुत ज्यादा चिल माहौल में यहाँ पर मुर्तसिम बेचारा रोने वाला हो जाता है ये सिचुएशन देख देख के, लेकिन मीरब को थोड़ी सी भी नहीं है कि अब प्यार हो चुका है तो कोई रोना धोना शुरू कर दे कि मुर्तसिम यहाँ पर मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कोई चीज नहीं है, बस
करता है तो करता है, जाता है तो जा, कुछ नहीं। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है, जिसके बाद आप लोग ये देखने वाले हो कि मुर्तसम चुपचाप वापस आ जाएगा। और यहाँ पर माँ बेगम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोच सोच के दर्द कर रहा होगा सर माँ बेगम को, और माँ बेगम यहाँ पर इसकी इतनी ज़्यादा परेशानी देखेगी मुर्तसम की, तो कहेगी कि मुर्तसम जैसा करो जाओ जाकर मीरब को ले आओ। जिसके बाद यहाँ पर मुर्तसम कहेगा कि आपको इतनी ज़्यादा क्यों फिक्र हो रही है उसकी, यहाँ पर बिल्कुल भी मैं उसे लेने नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर हया भी वहीं पर खड़ी होगी, और हया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होगी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल भी मुर्तसम जो है वह लेकर ना आए, यहाँ पर मीरब को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँगा यहाँ पर अब जो है हया बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि वकास ने कह दिया है, यहाँ पर अब मीरब इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यहाँ पर मुर्तसम भी अब जो है ज़िद के मारे नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा मस्केबाजी करने वाली है ज़रूर यहाँ पर माँ बेगम के साथ। यहाँ पर आप जो है मेरा कुछ ना कुछ करें, यहाँ पर मेरी शादी करवाएं, यहाँ पर मुर्तसम का नाम भी शायद ले ले। और यहाँ पर शायद ये भी हो सकता है कि माँ बेगम यहाँ पर इसकी बात जो है वो समझ जाए और कहे कि हाँ यहाँ पर मीरब को तो ये लेने जा ही नहीं रहा, और मीरब बस यहाँ पर वकास भी उसे नहीं भेजना चाहता, तो बस ठीक है यहाँ पर अब जो है इससे तुम्हारी शादी करवा देती हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर वह मुर्तसम से जो है वो बात करने की कोशिश कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है ऐसा शायद हो सकता है, और यहाँ पर ये भी यही सोच रही है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि मरियम यहाँ पर अब नरेश के साथ है, तो यहाँ पर वो वापस ज़रूर आएगी, वैसे आने तो नहीं देगी माँ बेगम इतनी ज़्यादा जल्दी, लेकिन यहाँ पर अगर वो आएगी तो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ मीरब की ही हमायत करेगी अपने बहन से भाई से, कि यहाँ पर भाई आप बिल्कुल भी मीरब को यहाँ पर ऐसा मत करें, आप मीरब के साथ बना के रखें, उसको जो है वो ले आए यहाँ पर हया पे बिल्कुल भी आपने ट्रस्ट नहीं करना, वैसे भी यहाँ पर वो ट्रस्ट नहीं करता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी यहाँ पर जो है वो हया की तरफ शायद बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवफा लड़की है, यहाँ पर उसे मैंने देख लिया है दोबारा उस रोहेल के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल बन गया, और इसी वजह से यहाँ पर अब जो है हमें थोड़ा सा हया का जो है वो हया करता हुआ दिखाई दे मुर्तसम, और यहाँ पर उसके साथ भी थोड़ी सी कुंडी फंस जाए इसी तरह का हमें वो दिखाया जाए, जिसके बाद यहाँ पर हया दोबारा से एक्सपोज हो, जिसके बाद हया को बहुत सारी बातें सुनने को मिले। और आपके ख्याल से यहाँ पर हया की किसके साथ होनी चाहिए शादी, यहाँ पर कोई उसे रुलाने वाला होना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस तरह से ठंडा जो है रिएक्शन लोग बिल्कुल नहीं देखना चाहते, इसका इतना ज़्यादा जो है ठंडा जो है वो बिल्कुल भी जो है अंजाम नहीं देखना चाहते, लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो अच्छा जो है कुट पड़े। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा रोए, यहाँ पर ये मांगने पर मजबूर हो गया। तो हम आप लोगों को बता दें कि लास्ट एपिसोड वाली वीडियो जो है वो आने वाली है, उसमें कंप्लीट मैं एक्सप्लेन करूंगा जो जो पॉइंट यहाँ पर इस ड्रामे में रहते हैं, जिसको अगर कंप्लीट ना किया जाए तो ये ड्रामा ख़त्म नहीं हो सकता, जो मुझे लगता है मैं प्रेडिक्ट करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, अपनी राय रखूंगा। आप लोग भी हमें बताइएगा कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो ठीक है, एग्री डिसएग्री ज़रूर से कीजिएगा, और जो कुछ मैंने अभी आप लोगों को बताया आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि मीरब और मुर्तसम को दोबारा मिलना चाहिए या इन दोनों की तलाक हो जानी चाहिए, आप लोग ज़रूर से कीमती इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और अब से बक्तेज कैम ही आप लोगों को वीडियो मिलने वाली, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और बहुत बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।